साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, mandi.com में आपका स्वागत है। मैं हूं भुवन भास्कर। mandi.com में यूं तो हर हफ्ते हम बात करते हैं किसानों की उन जरूरतों की जो उनको कृषि के हर चरण में या अलग अलग चरणों में उनके सामने आती है, लेकिन आज हमने एक ऐसी आवश्यकता और एक ऐसी समस्या के बारे में बातचीत करने का फैसला किया है mandi.com में, जो दरअसल किसानों के लिए हर खेती के हर चरण पे बहुत जरूरी होती है, यानी कहा जाए तो बिजाई से पहले, बिजाई के बाद और जब मार्केटिंग की जरूरत होती है उस समय भी किसानों को इसकी आवश्यकता होती है। और ये आवश्यकता है सही समय पर सही जानकारी होने की, चाहे वो किस तरह के बीज के का इस्तेमाल किया जाए उसके बारे में हो, या फिर जब खेत फसल खेत में हो तब किस तरह की दवाएं, कितनी मात्रा में, कौन खाद कितनी मात्रा में इस्तेमाल हो ये हो, या फिर हार्वेस्ट के बाद कैसे उसके गुणवत्ता का में सुधार किया जाए, कैसे उसकी क्वालिटी इंप्रूवमेंट किया जाए, और साथ ही कैसे और कहां बाजार सही तरीके से खोजा जाए। ये सारी जरूरतें जो हैं ये बहुत ही मूलभूत समस्या और जरूरत है किसान की। समस्या इसलिए मैं कह रहा हूं कि बहुत बार हमने देखा है कि क्योंकि देश इतना बड़ा है अपना कि किसान जो दूर दराज के हैं या किसानों के अंदर भी जागरूकता की कमी है, उनको पता नहीं है कि कहां से दरअसल ये जानकारियां मिलेंगी, तो इस कारण ये आवश्यकता किसानों की समस्या में बदल जाती है। इसी बारे में आज हम mandi.com में बातचीत करने वाले हैं और इसके लिए एक बहुत ही खास मेहमान को हमने अपने साथ जोड़ा है, जिनसे आपका हम परिचय करा देते हैं। आज के हमारे मेहमान हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन मैनेजमेंट यानी मैनेज, जो हैदराबाद में जिसका हेडक्वार्टर है, उसके डायरेक्टर जनरल पी चंद्रशेखर। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका mandi.com में। डॉक्टर साहब, इस बात की शुरुआत हम वहीं से करते हैं जो अभी मैं इसकी भूमिका में बता रहा था कि किसान के लिए बाकी जो जरूरतें हैं वो तो एक समय में आके खत्म हो जाती हैं किसी कृषि के अलग अलग दौर में, लेकिन जो एक्सटेंशन सर्विसेज हैं वो एक तरह से उसकी जरूरत किसान को जो पिछले फसल की कटाई के तुरंत बाद शुरू हो जाती है और वो आखिर में फसल के निकलने और बिकने तक वो जारी रहती है, उसकी जरूरत ज्यादा से ज्यादा जानकारियों की और समय पर मिलने वाली जानकारियों की। देश में अभी मौजूदा जो स्थिति है एक्सटेंशन सर्विसेज की, उसको आप किस तरह से आंकते हैं, क्या आपका इवेल्युएशन क्या है उसको लेके, और उसमें किस तरह से सुधार की जरूरत देख रहे हैं? कितना दिन होगा, किसान कितना दिन काम करेगा, उतना दिन कृषि विस्तार का जरूरत है। ये एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का सेंट्रलिटी है। कृषि विस्तार में तीन मुख्य अंश है। एक तो टेक्नोलॉजी जनरेशन, हमको विस्तारण करने के लिए टेक्नोलॉजी का जरूरत है। देश में देखिए, वी आर फॉर्चुनेट, 120 इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स का रिसर्च स्टेशंस है और हजारों साइंटिस्ट उधर काम करता है। कमोडिटी स्पेसिफिक, राइस के लिए तो एक अलग है, मिलेट्स के लिए अलग है, पोल्ट्री के लिए अलग है, डेयरी के लिए अलग है, ऐसा बहुत रिसर्च स्टेशंस है और रिसर्च सेंटर्स टेक्नोलॉजी जनरेट करता है। फॉर्चुनेटली वी हैव गुड नंबर ऑफ टेक्नोलॉजीज, सो दैट वे टेक्नोलॉजी बहुत है हमारा पास। दूसरा है 130 मिलियन फार्मर्स है और ईच फार्मर इज यूनिक, विलेज में, क्रॉप में, सीजन में, एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स में चेंजेस है, इसको दूसरा टेक्नोलॉजीज चाहिए। वो टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है और किसान को चाहिए, अभी जरूरत है इफेक्टिव कृषि विस्तारण का, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी का। ये टेक्नोलॉजी हम लैब से लेके लैंड को ट्रांसफर करना चाहिए। इसमें एक दो चैलेंजेस हैं। ये फर्स्ट चैलेंज है इनएडिक्वेट मैन पावर है, हमको कितना एक्सटेंशन वर्कर्स चाहिए किसान के साथ बात करने के लिए, गाँव में काम करने के लिए, उतना एक्सटेंशन वर्कर्स हमारा पास थोड़ा कम है। ये आप डबलिंग फार्मर्स इनकम ये रिपोर्ट देखिए, हर एक्सटेंशन वर्कर
1132 किसान को सर्विस करना पड़ेगा। ये थोड़ा मुश्किल का बात है। सो हर किसान को हर प्रॉब्लम हर समय में सोल्यूशन देने में थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए हम दो सोल्यूशंस हमारा सामने है। एक तो प्राइवेट एक्सटेंशन सर्विस प्रोवाइडर्स, हमारा देश में बहुत लोग हैं, प्रोग्रेसिव फार्मर्स है, इनपुट डीलर्स है, अग्रीपिनर्स है, अग्री क्लिनिक एंड अग्री बिजनेस सेंटर से बाहर आता है, एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स है, वो गांव में काम करता है अग्री बिजनेस का बारे में, ये लोग हैं। अभी फार्मर्स प्रोड्यूसर्स कंपनीज बहुत आ रहे हैं, 10,000 फार्मर्स प्रोड्यूसर्स कंपनी देश का एक महान, कृषि विभाग का एक महान एक प्रोग्राम है, वो भी अभी लॉन्चिंग हो गया है, वो भी हम यूज कर सकता है जी। बहुत टीवी चैनल्स है, रेडियो चैनल्स है, और डोनर एजेंसी से, एनजीओ से, अग्री बिजनेस कंपनी से, ये प्राइवेट सेक्टर एक्सटेंशन सर्विस प्रोवाइडर्स है ना, इसको पब्लिक सेक्टर से लिंक करके पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हम ट्राई कर सकता है। दूसरा तरीका, आपने 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 कई बिंदुओं को छुआ है अपने इस सवाल के जवाब में, और उन सब पे अगर हम, हमारे पास समय रहा तो हम थोड़ा विस्तार से आपसे समझेंगे। लेकिन एक बात जो सबसे पहली बात आपने कही, जो तीन हिस्सों में पहला हिस्सा आपने टेक्नोलॉजी को बताया है, लेकिन टेक्नोलॉजी में एक बड़ी दिक्कत ये भी है कि जो हमारे गांव का किसान है वो आज भी इतना टेक फ्रेंडली नहीं है। तो दो बातें हैं, एक तो आप टेक्नोलॉजी के जरिए उस तक पहुंचेंगे, लेकिन दूसरा उस टेक्नोलॉजी को लेने की उसकी जो सिचुएशन कैपेसिटी है वो बहुत सीमित है, इस चुनौती को कैसे आप देखते हैं? हमारा एक्सटेंशन वर्कर गांव में किसान के साथ कौन काम करता है वो ही प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। देखिए, ही इज ए लिंक बिटवीन हमारा लैब और लैंड का किसान क्या है, इस पे इसका बीच में ये हमारा एक्सटेंशन वर्कर लिंक है। सो एक्सटेंशन वर्कर ये कृषि रिसर्च स्टेशन से, एग्रीकल्चर रिसर्च स्टेशन से टेक्नोलॉजी बाहर आने के बाद हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कृषि विज्ञान केंद्र है, कृषि विज्ञान केंद्र में ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी भी है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये कृषि विस्तार का डेडिकेटेड एक प्रोग्राम है। सो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ये टेक्नोलॉजी आने के बाद हर एक्सटेंशन वर्कर को इसका बारे में ट्रेनिंग होता है, वो ट्रेनिंग के आधार पर वो टेक्नोलॉजी एक्सटेंशन वर्कर को जाने के बाद एक्सटेंशन वर्कर किसान के साथ शेयर करना पड़ेगा। ये एक्सटेंशन वर्कर का नंबर कम है, इसलिए हम प्राइवेट एक्सटेंशन सर्विस प्रोवाइडर्स, ये बड़ा लिस्ट हमने मैंने किया है, वो सब लोग फील्ड में एक्टिव है। हमारा पब्लिक एक्सटेंशन फंक्शनरी ये प्राइवेट एक्सटेंशन सर्विस प्रोवाइडर से साथ साथ काम करने से ज्यादा किसान को पहुंच सकता है, इफेक्टिवली इसको एक्सप्लेन कर सकता है जी। यानी जो ह्यूमन रिसोर्स में जो कमी से जूझ रहे हैं आप, उसको आपने पूरा करने के लिए जो पीपी जो प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप पीपीपी का एक ये उदाहरण है उसको आप अपना रहे हैं, ये एक अच्छी बात है। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक से लौटने के बाद हम वापस mandi.com में इस चर्चा को जारी रखेंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मंडी। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा, देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा, देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे।
एक बार फिर स्वागत है आपका मंडी.com में। हम बात कर रहे हैं किसानों के लिए देश में जो एक्सटेंशन सर्विसेज हैं, जो उनको समय समय पर पढ़ने वाली जो जानकारियों की जरूरत है उसको पूरा करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो चुनौतियां हैं उसके बारे में, और ये भी हम जानने की कोशिश कार्यक्रम के दौरान करेंगे कि वास्तव में जो भी परिस्थिति है उसका किसान किस तरह से अधिकतम लाभ उठा सकता है। और हमारे साथ इस कार्यक्रम में आज बातचीत के लिए बने हुए हैं डॉक्टर पी चंद्रशेखर, जो डायरेक्टर जनरल है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन मैनेजमेंट के। तो डॉक्टर साहब, जो बात हम कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले, उसी को अगर हम आगे बढ़ाएं, आपने कहा कि जो बहुत सारे इंटरमीडियरीज हैं और खासतौर से जो आपके फूड सोल्जर्स हैं जो गांव गांव में किसानों तक संपर्क करते हैं और सीधे तौर पे उनको एक, एक, एक सुविधा देते हैं कि वो जो प्रयोगशाला की तकनीक है उनको खेतों तक पहुंचाया जा सके, यहां तक तो बात ठीक है। लेकिन बहुत बार हमने देखा डॉक्टर साहब, मंडी.com के लिए भी हम जब स्टोरी करने के लिए देश भर में हम लोग घूमते हैं तो कई जगह हमने देखा है कि केवी केज की आपने बात कही है, कुछ केवी केज वास्तव में बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे केवी केज तक न किसान पहुंच पा रहे हैं न केवी के किसानों तक पहुंच पा रहा है। तो इसका एक इन्फ्लुएंस ये है, निष्कर्ष ये है कि हमने ये देखा है कि ये बहुत बार जो निजी तौर पे, यानी जो कृषि वैज्ञानिक हैं, जो केवी के जो हेड हैं, उनमें कितना ज्यादा जोश है या कितना चीजों को बदलने के प्रति उनकी इच्छा है वो बहुत बार रोल प्ले करता है इस बारे में कि वास्तव में केवी के कितना मदद कर पा रहे हैं किसान की। इसको क्या कोई इंस्टीट्यूशनल बनाए जाने की जरूरत है कि केवल ये व्यक्ति आधारित न रहे कि किसी को तो बहुत ज्यादा अगर इच्छा या उत्सुकता है तो वो काम कर रहा है, लेकिन अदरवाइज पता चलता है कि केवी के है लेकिन किसानों को पता ही नहीं है कि केवी के है। हर डिस्ट्रिक्ट में कृषि विज्ञान केंद्र है और कुछ डिस्ट्रिक्ट में दो कृषि विज्ञान केंद्र भी है। अभी कृषि विज्ञान केंद्र में डेमोन्स्ट्रेशन के लिए लैंड भी होता है और सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट भी होता है। इसका कृषि विज्ञान केंद्र का एक अच्छा पॉइंट है, ये रेस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट के लिए क्या टेक्नोलॉजी चाहिए वो टेक्नोलॉजी का प्रॉपरली असेसमेंट रिफाइनमेंट करके उसको स्क्रीन करके किसना किसान को क्या चाहिए वो टेक्नोलॉजी कृषि विज्ञान केंद्र दे सकता है रेस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट के लिए। इसमें कृषि विज्ञान केंद्र में सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट है, सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट हमारा एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी में एक्सटेंशन वर्कर्स होता है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरी डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर मार्केटिंग डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट में एक्सटेंशन वर्कर्स होता है। ये सभी लोगों को कृषि विज्ञान केंद्र का सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग देना पड़ेगा, देन डिपार्टमेंट लोग नीचे ब्लॉक लेवल पर और होबली लेवल, गांव लेवल पर ये टेक्नोलॉजी को डिसिमिनेट कर सकता है। ये इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म बहुत अच्छा काम कर रहा है बहुत डिस्ट्रिक्ट में, इसलिए कृषि विज्ञान केंद्र और डेवलपमेंटल डिपार्टमेंट्स एंड आत्मा, इसका लिंकेज बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। जी अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि जो एक्सटेंशन सर्विसेज के साथ, क्या आप लोग इसके लिए भी काम कर रहे हैं या काम करने की कोई योजना है कि वास्तव में जो क्वालिटी इनपुट है, जैसे अगर मान लीजिए किसान को ये पता चल भी जाता है कोई बहुत अच्छा लैब से, जो फार्म तक की बात आपने कही, कोई बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी आई है या बीज आए हैं या कोई सिंचाई की टेक्नोलॉजी आई है, लेकिन उसके लिए वास्तव में जो पैराफर्निलिया है, जो उसके लिए जो चीजों की जरूरत है वो उन तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो उसके लिए आपकी क्या भूमिका होती है? ये बहुत ये अच्छा क्वेश्चन है। टाइमली क्वालिटी इनपुट सप्लाई है ना, ये एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए और स्पेशली किसान के लिए ज़्यादा प्रोडक्टिविटी के लिए और ज़्यादा इनकम के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप गांव के लेवल पर देखिए, गांव के लेवल पर इनपुट डीलर्स होता है, ये इनपुट डीलर्स बहुत इम्पॉर्टेंट पर्सन है, वो किसान को सीड, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, एग्रीकल्चर मशीनरीज और बहुत एक्सटेंशन सर्विसेज भी देता है। तो पहले एग्रीकल्चर क्वालिफिकेशन के बिना भी बहुत इनपुट डीलर्स काम कर रहे थे। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक अच्छा प्रोग्राम भी आया है, मैनेज की तरफ से हम देश पर इम्प्लीमेंट भी कर रहा है, वो देसी प्रोग्राम हम बोलता है, डिप्लोमा इन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन सर्विसेज फॉर इनपुट डीलर, देसी प्रोग्राम ये बोलता है। ये देसी प्रोग्राम में
एक साल हर संडे इनपुट डीलर्स को कृषि के बेसिक नॉलेज पर हम वो ट्रेनिंग देता है और गवर्नमेंट का सहायता भी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सहायता भी है, और हम स्टेट का एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के साथ समिति के साथ काम करके अभी 50,000 इनपुट डीलर्स को हमने एक साल का ट्रेनिंग दिया है जी। और 20,000 इनपुट डीलर अभी ट्रेनिंग चल रहा है। ये ट्रेनिंग हर संडे ट्रेनिंग प्रोग्राम चलता है क्योंकि संडे मार्केट हॉलीडे है, इसका बिजनेस अफेक्ट नहीं होगा। फैमिली टाइम को लर्निंग टाइम पर कन्वर्ट करके इनपुट डीलर्स ये कृषि ज्ञान को सीखता है। इस प्रोग्राम में बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, किसान को क्या चाहिए वो इंफॉर्मेशन हम इनपुट डीलर को देता है। वो सॉइल का बारे में हो, वाटर का बारे में हो, और वेदर पैरामीटर्स, टेम्परेचर, रेनफॉल का बारे में हो, पेस्ट एंड डिसीजेस का बारे में हो, सॉइल टेस्टिंग का बारे में हो, हार्वेस्टिंग पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी का बारे में हो, और मार्केट प्राइसेस, ये सब कुछ इंफॉर्मेशन इनपुट डीलर्स को हम देता है, इनपुट डीलर किसान को देता है। जी डॉक्टर साहब, बहुत ही अच्छी जानकारी है आपने दी है। और इसका वास्तव में ये तो एक पक्ष हुआ कि आप इनपुट डीलर्स को ट्रेनिंग देते हैं, लेकिन दूसरा पक्ष की वास्तव में डीलर किस तरह से इसको किसानों तक पहुंचा रहा है या किसान किस तरह से डीलर से उसका फायदा ले, इस बारे में हम बात करेंगे। लेकिन फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मंडी रॉक। आप किसी बीमारी से परेशान हैं, चाहते हैं डॉक्टर की सलाह, तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह, समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के, घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव गांव के किसानों का हाल, देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। एक बार फिर स्वागत है आपका मंडी.com में। हम बात कर रहे हैं आज एक्सटेंशन सर्विसेज की, यानी जो विस्तारण सेवाएं हैं देश में उनकी क्या स्थिति है, और इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन मैनेजमेंट यानी मैनेज, जिसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है, उसके डायरेक्टर जनरल डॉक्टर पी चंद्रशेखर हमारे साथ बने हुए हैं। सो डॉक्टर साहब, जो हमारा अनुभव है वो ये है कि आमतौर पर रिटेल डीलर 400 से 500%, और कुछ मामलों में तो हमने देखा है कि 1,000% तक का मार्जिन लेते हैं कई सारी दवाओं पे। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मसला है, कैसे किसान ये सुनिश्चित कर सकता है कि वो वास्तव में इनपुट डीलर से जो आपने ट्रेनिंग दी है उसका लाभ उठा सके। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट स्टेट लेवल पर बहुत इंटरेस्ट ये देसी डीलर ट्रेनिंग प्रोग्राम में ले रहा है और बहुत इनपुट डीलर्स को मोबिलाइज कर रहा है, और इसका डायरेक्ट बेनिफिशियरी है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ऑन वन साइड और किसान ऑन अदर साइड। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को पता है किस डीलर को देसी ट्रेनिंग हो गया है। हमने थर्ड पार्टी सर्वे भी किया, ये ट्रेनिंग के बाद ये इनपुट डीलर कैसा सर्विसेज किसान को दे रहा है, ये हमको थर्ड पार्टी सर्वे में पता लगा। ये ट्रेंड इनपुट डीलर्स साइंटिफिक इंफॉर्मेशन किसान को दे रहा है और इसका बिजनेस साइंटिफिक नॉलेज से जुड़ा हुआ है, और फेक पेस्टिसाइड और फेक फर्टिलाइजर्स इसको अवॉइड करने में
ये देसी ट्रेंड इनपुट डीलर बहुत सक्सेसफुल है, वो हमको थर्ड पार्टी सर्वे से पता लगा है, ये बहुत अच्छा डेवलपमेंट है। जी जी, अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए कि जो बाकी एक्सटेंशन सर्विसेज हैं, इनपुट वाले को छोड़ देते हैं क्योंकि उस पर हमने बात कर ली है, लेकिन बाकी एक्सटेंशन सर्विसेज हैं उस तक मान लीजिए, क्योंकि आपने बार बार ये कहा कि ह्यूमन रिसोर्स एक एक बड़ी चुनौती है, कमी है लोगों की, आप पीपीपी भी कर रहे हैं जो निजी क्षेत्र को अपने साथ जोड़ रहे हैं, सबके बावजूद क्योंकि 12 करोड़ से ज्यादा किसान अपने देश में हैं तो सब तक शायद आप अपनी ओर से ना पहुंच सके, ऐसे में अगर कोई किसान आप तक पहुंचना चाहे किसी खास सेवा के लिए सुविधा के लिए, उसके पास क्या विकल्प है? किसान कॉल सेंटर है अभी, और किसान कॉल सेंटर किसान कॉल कर सकता है, और हर दिन ये ऑपरेशनल है और थ्रू द कंट्री है। किसान कॉल सेंटर को कॉल करने से आपको ये क्रॉप पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस का बारे में हो, मार्केट प्राइस का बारे में हो, नहीं तो इनकम जनरेटिंग दूसरा एक्टिविटीज क्या है इसका बारे में सारा इंफॉर्मेशन किसान को मिलेगा, और नियरेस्ट कृषि विज्ञान केंद्र, नियरेस्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर, इसका कॉन्टेक्ट डिटेल्स भी किसान को मिलेगा। ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो किसान उसके पास जाके ज्यादा इंफॉर्मेशन भी ले सकता है। जी, आपने बिल्कुल शुरू में जब आप पूरा एक ओवरव्यू दे रहे थे तब आपने FPOs का भी जिक्र किया था, क्योंकि केंद्र सरकार का भी FPOs पर बहुत ज्यादा जोर है, 5 साल में 10,000 FPO बनाने का लक्ष्य है, जिसमें 1 साल पहले ही निकल भी चुके हैं और ये काम जोरों शोरों से चल रहा है, तो थोड़ा आपसे इस पर डॉक्टर साहब मैं जानना चाहूंगा कि FPO मूवमेंट जो ये है या FPOs जो बन रहे हैं वो एक्सटेंशन सर्विसेज को किसानों तक पहुंचाने में कितनी बड़ी भूमिका और कितनी प्रभावी भूमिका है, जो इफेक्टिव रोल निभा सकते हैं? ये बहुत प्रभावी भूमिका है। फार्मर्स प्रोड्यूसर्स कंपनी को अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रमोशन एक स्कीम भी आ गया है, 10,000 फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन प्रमोशन अभी देश में चल रहा है। एक बार किसान का इकट्ठा होगा हिली एरियाज में मिनिमम 100 किसान और प्लेन एरियाज में मिनिमम 300 फार्मर्स इकट्ठा होके फार्मर्स प्रोड्यूसर्स कंपनी बनेगा, ये फार्मर्स प्रोड्यूसर्स कंपनी ग्रुप ऑफ फार्मर्स को बैकवर्ड लिंकेज हो इनपुट डीलर कंपनी से, नहीं तो फॉरवर्ड लिंकेज हो मार्केट से, करने में बहुत आसान हो जाता है। और लिंकेज विथ टेक्नोलॉजी, लिंकेज विथ एक्सटेंशन सर्विसेस, लिंकेज विथ क्रेडिट, लिंकेज विथ इंफ्रास्ट्रक्चर, लिंकेज विथ मार्केट एंड डेवलपमेंटल प्रोग्राम, हर लिंकेज को ये ग्रुप ऑफ फार्मर्स को लिंक करने में बहुत आसान होता है, इंडिविजुअल फार्मर्स को लिंक करने में बहुत मुश्किल होता है। ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन में। जी जी जी, यानी FPOs के आने से बढ़ने से जो तमाम जो अलग अलग चरणों की बात हम कर रहे थे खेती की, उन सब में किसानों को लाभ होने वाला है और एक्सटेंशन सर्विसेज में तो उनको लाभ होने ही वाला है, इसलिए किसानों के लिए चाहिए कि वो जल्दी से जल्दी या तो किसी FPO से जुड़े या अपना FPO तैयार करें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी सुविधाएं और सेवाएं हैं जिनका फायदा वो केवल तभी उठा सकेंगे अगर वो FPOs का हिस्सा बनेंगे। डॉक्टर चंद्रशेखर बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और ये तमाम बातें हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। ये थे डॉक्टर पी चंद्रशेखर, डायरेक्टर जनरल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल मैनेजमेंट, एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन मैनेजमेंट के, जो बात कर रहे थे हमसे पूरी सेवाओं के बारे में, और उसके साथ ही उन्होंने बहुत सारी नई जानकारियां भी हम लोगों को दी हैं। बहुत सारे किसान भाइयों को हमारे पहली बार बहुत सारी जानकारियां मिली होंगी, जैसे जो इनपुट डीलर्स हैं उनके ट्रेनिंग की बात है, तो इसमें आप जरूर आप ये कर सकते हैं अपनी तरफ से कि आप अपने आसपास में अपने जिले में पता करें कि कहाँ कौन से डीलर्स हैं जिनकी ट्रेनिंग हुई है और उनके साथ भी जुड़ें, और साथ ही जो एक्सटेंशन सर्विसेज के लिए सरकारी प्रयास हो रहे हैं उनसे भी जुड़ के उनका अधिकतम लाभ आप उठा सकते हैं। mandi.com से अब मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए हमारे साथ क्योंकि डीडी किसान पर खबरों का और कार्यक्रमों का सिलसिला जारी। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं, साथ ही आप ईमेल के जरिए भी हमें अपनी राय दे सकते हैं।